इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइकन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं खलील रहमान। हमारे जितने भी प्यारे भाई हैं, बहनें हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं और वो अपना घर के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से या इस्लामिक रूल्स के हवाले से, इस्लामिक तरीक़ों से लोन लेना चाहते हैं या बैंक का अपना प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं और जल्दी लोन लेना चाह रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए 30 से 40 वीडियोस बना दी हैं, प्लेलिस्ट पूरी है होम लोन की, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की हमारे चैनल पर, तो आप विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको मैं बता दूँ कि जो वीडियोज़ अभी मैंने रिसेंटली बनाई है उसको भी मैं नीचे कमेंट्स में आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, कमेंट्स में भी दे दूंगा। उसमें तीन बैंक्स का मैंने कंपैरिजन किया है, तीन एक ही बैंक का तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन किया है। उसमें यह किया है कि एक जिसमें होम लोन स्कीम दे रहा है गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैंक, जिसको मेरा पाकिस्तान मेरा घर कहा जाता है, उसकी डिटेल आपको बताएंगे। दूसरा, जो लोग सूद नहीं लेना चाह रहे, इस्लामी असूलों के मुताबिक लोन लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से मैंने कम्प्लीट गाइड की है। इस्लामी असूलों के मुताबिक अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें कितना लोन ले सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तीसरा, बैंक का अपना लोन का प्रोडक्ट है जो बैंक खुद देगा, उसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसमें आप कितनी लिमिट तक आप लोन ले सकते हैं, कितने लाख तक ले सकते हैं और किस तरह ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक ही वीडियो में इन तीन चीज़ों को कंपेरिजन आपस में किया और आपको बताया हुआ कि आपके लिए कौन सा लोन प्रोग्राम ज़्यादा बेस्ट है और किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अगर आप घर के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, बिज़नेस के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। दूसरा, अगर आपका कोई सवाल है आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारा व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं और हमारी खिदमत ले सकते हैं, हमारी सर्विसज़ ले सकते हैं लोन हासिल करने के हवाले से। तो वीडियो जो मैंने कंपैरिजन किया है तीन डिफरेंट लोन प्रोडक्ट्स का, सूद वाला, सूद के बग़ैर और बैंक अपना प्रोडक्ट, इन तमाम चीज़ों जो वीडियो में एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट्स में भी दे दूंगा, आप उसको ओपन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप HBL से अगर मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से लोन लेना चाह रहे हैं तो उसको मैं फेस टू फेस आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन पर आपको काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो टू द पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करूँगा जो बिल्कुल सीधे और सिंपल से लोग हैं उनको भी समझ आ जाए, बाकी तो समझ ही जाएंगे। तो मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम जो है ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल बैंक है, वही रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाता है डिफरेंट, जो कि बाकी जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने उसको फॉलो करना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिलकर और तमाम डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो मिलकर अवाम को सस्ते घर प्रोवाइड करिए, जिस स्कीम का नाम रखा है मेरा पाकिस्तान मेरा घर या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। अब इसमें तीन तरह के आप लोगों को घर दिए जा रहे हैं, तीन डिफरेंट चीज़ों को डिज़ाइन किया गया, जिस तरह कामयाब जान प्रोग्राम में टायर वन, टायर टू, टायर थ्री है। कामयाब जान प्रोग्राम से ज़्यादा अगर कोई बिज़नेस के हवाले से भी अप्लाई करवाना चाह रहा है, हमारे थ्रू सर्विसेज लेना चाह रहा है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवा के अप्लाई करवाना चाह रहा है या उनका कोई इशू आ रहा है तो हमारे थ्रू आप इशू सॉल्व करवा सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स करके रब्ता कर सकते हैं। एनी वे, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जिस तरह कामयाब जान प्रोग्राम में टायर वन, टायर टू, टायर थ्री था, यानी लोन की एक लिमिट थी कि आप इतना लोन ले सकते हैं इतना, इसी तरह इसमें है होम लोन के हवाले से। इसमें इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि टायर वन में आप 5 मरले तक का घर ले सकते हैं और ये घर टायर वन में आपको गवर्नमेंट खुद बना के पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में, ज़िलों में खुद दे रही है, जो कि नपेडा की तरफ से या नया पाकिस्तान हाउसिंग डिवेलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वो खुद गवर्नमेंट बना के आपको 5 मरले का घर दे रही है। और इसमें वन बाय वन मैं आपको डिफरेंस भी बताता जाऊंगा। टायर वन में 5 मरले का घर है, गवर्नमेंट खुद बना के आपको दे रही है और वो बना बनाया घर अगर आप लेंगे तो उसकी टोटल 5 मरले घर की वैल्यू 35 लाख है, उसमें से बैंक आपको 27 लाख देगा, बाकी आपने खुद इक्विटी शामिल करनी होगी। बैंक आपको 27 लाख डेबिट देगा, बाकी आपने इक्विटी शामिल करनी होगी। लोन आप वापस 20 साल तक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप 10 साल में करें, 5 साल में करें, 15 साल में करें या 20 साल में करें। ये हो गया टायर वन, इसको आप साइड पर कर दें। अब आ जाते हैं टायर टू की जानब। टायर टू में 5 मरले का ही घर होगा, घर हो, फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, टायर वन में या टायर टू में सेम चीज़ें हैं, 5 मरले का होना चाहिए। और ये टायर टू में आप अपना खुद पसंद करेंगे, अपने शहर में, अपनी सिटी में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, जहाँ भी आप रह रहे हैं आप खुद पसंद करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो घर आपने खुद पसंद करना है, जो आप लेना चाह रहे हैं, वो 1 साल से पुराना ना हो और उसकी ओनरशिप फर्स्ट टाइम चेंज होनी जा रही हो। फॉर एग्जांपल, मैंने घर बनाया है और आप मुझसे लेना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम और घर 1 साल से पुराना नहीं है, इस तरह। और इसमें घर की टोटल वैल्यू 35 लाख होनी चाहिए और बैंक आपको उसका
30 लाख देगा, डेबिट 30 लाख देगा, बाकी 5 आप खुद शामिल करेंगे। ये इसका तरीक़ेकार है। ये भी आप 20 साल तक लोन वापस कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है 5 साल में करें, 10 में करें, 15 में करें, 20 में करें। ये भी चीज़ होगी। टायर वन टायर टू आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 5-5 मरले का ही घर है, लेकिन एक में गवर्नमेंट आपको खुद बना के दे रही है, दूसरे में आप खुद बना बनाया अपनी पसंद कर सकते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं थर्ड की, टायर थ्री की। टायर थ्री में ये है कि आप 10 मरले का घर ले सकते हैं, 10 मरले का घर, फ्लैट, अपार्टमेंट या जो भी 10 मरले का, और वो भी आपने खुद ही पसंद करना है अपने शहर में, अपनी सिटी में, अपने टाउन में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, जहाँ पे भी करना चाह रहे हैं। तो उसमें बैंक आपको टोटल घर की वैल्यू 60 लाख होनी चाहिए, बैंक आपको 50 लाख देगा, डेबिट आपको 50 लाख देगा, बाकी आपने 10 इक्विटी खुद से शामिल करना होगा, टोटल उसका 60,000 वैल्यू होगी घर की। तो ये आप ले सकते हैं। तो ये टायर वन टायर टू टायर थ्री मैंने आपको उसका फ़र्क एक्सप्लेन कर दिया कि कितना लोन मिलेगा, किस तरह मिलेगा। और ये एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर के वाले से आप जितने भी बैंक से लोन लेंगे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेशक वो HBL से लें, बेशक वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लें, बेशक बैंक ऑफ पंजाब से लें, बेशक मिज़ान बैंक से लें, सबका क्राइटेरिया भी सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है, प्रोसीजर भी सेम है, सब आपको लोन भी सेम देंगे, मार्कअप भी सेम होगा। मार्कअप की भी बात कर लेते हैं कितना होगा। कहने की बात यह है क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तमाम बैंक जो है वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं और उसमें मार्कअप कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट इसमें आपको सपोर्ट कर रही है। तो जिस मर्जी बैंक से आप लोन ले ले क्राइटेरिया सेम है। इसमें पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तानी जो आउट ऑफ कंट्री हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम सैलरी 25,000 होनी चाहिए। टायर, अब मैं इंटरेस्ट रेट बता दूँ आप लोगों का, इंटरेस्ट रेट इसमें टायर वन में पहले 5 सालों का, टायर वन और टायर टू में दोनों में सेम है, पहले 5 सालों का 5% है, उसके बाद 5 से 10 सालों का यानी 10 साल तक के टाइम पीरियड के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो 7% होगा। पहले 5 साल 5% ही रहेगा, दूसरे साल 10 साल तक 7% रहेगा, और नेक्स्ट जो 10 साल का टाइम पीरियड होगा उसका मार्कअप उस टाइम डिसाइड किया जाएगा बैंक की तरफ से। उस टाइम मार्केट की जो वैल्यू होगी जिस हिसाब से होगा उस टाइम डिसाइड किया जाएगा मार्कअप, वो ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। टायर थ्री में पहले 5 साल का 7% मार्कअप है, और उसके अगले 5 साल यानी 6ठे साल से 10वें साल तक वो 9% होगा। इसी तरह अगले 10 साल का उस टाइम सेलेक्ट किया जाएगा, यानी मार्कअप भी क्लियर हो गया। तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए। ये सारी चीज़ें जो हैं तमाम बैंक्स की मेरा पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से सेम है, तमाम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। अब आ जाते हैं, अब मैंने इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा ओपन लिंक, और वीडियो का HBL का होगा उसमें, उस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। कमेंट्स में भी दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, उस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। अब उसमें 18 मिनट की तकरीबन वो वीडियो है, मैंने 3 बैंक्स को स्क्रीन शेयर करके आपको स्क्रीन पे दिखा के उसमें पूरे पूरी चीज़ें बताई हैं, उसकी किस्त कितनी होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, क्योंकि सैलरी पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हैं, बिजनेस पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हैं, और इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आउट ऑफ कंट्री हमारे भाई रह रहे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हैं। वो मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको भी विजिट कर लीजिएगा। दूसरा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें, और उसके बाद आपने प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है, ऊपर आपको प्ले लिस्ट शो हो रही होगी चैनल को, जब आप देखेंगे होम लिखा होता है, इसी तरह प्ले लिस्ट लिखा होता है, वीडियोज़ लिखा होता है, प्ले लिस्ट पर आपने जाना है, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की भी प्ले लिस्ट मिलेगी और होम लोन स्कीम्स की भी प्ले लिस्ट मिलेगी, 40 के करीब उनके अंदर वीडियोज़ होंगी होम लोन प्ले लिस्ट में। तो आप वो प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं, उसमें तमाम डिफरेंट बैंक्स की लोन के बारे में बताया गया है कि आप किस तरह लोन ले सकते हैं, और यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक्सप्लेन किया गया है, और उसमें उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है फॉर्म किस तरह फिल करना है, तो फॉर्म के बारे में भी, फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार भी सारा उसमें बताया हुआ है। तो आप वीडियोस को उनको विजिट कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं, और बैंक में आपने हार्ड कॉपी सबमिट कर देनी है, या ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। इस हवाले से अगर आप हमारी खिदमत लेना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे इस हवाले से हो, चाहे बिजनेस लोन के हवाले से हो। वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारा आप व्हाट्सअप नंबर ले लें और रब्ता करें, और उसमें आपको जो कंसल्टेंसी चाहिए आप वो पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं, फॉर्म हमारे थ्रू फिल करवाना चाहते हैं, नहीं करना आता, सीधे साधे लोग हैं, या जो भी इश्यूज़ है आपके पर्सनल, तो आप हमारी खिदमत ले सकते हैं, बिजनेस लोन के वाले से भी, होम लोन के वाले से भी। तो अब आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनका अपना घर नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपना घर दे। स्कीम में ज़रूर अप्लाई करें, 10-15-20 साल के बाद आपका अपना घर होगा, जो आप रेंट दे रहे हैं वही इधर इंस्टॉलमेंट देते जाइएगा, इंशाल्लाह आपका अपना घर हो जाएगा। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कोई आपका सवाल है नीचे कमेंट कर लें, और कमेंट्स में जो मैंने लिंक दिया होगा पिन किया होगा उसको भी आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिएगा, उसमें एक ही वीडियो में
तीन डिफरेंट बैंक्स के लोनों को एक्सप्लेन किया गया है, सूद वाला लोन, सूद के बगैर लोन और बैंक का अपना एक प्रोडक्ट और मेरा पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के वाले से, इस तरह तो तीनों का कंपैरिजन किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह होम लोन के वाले से और भी वीडियोस, पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड की गई हैं, लेकिन अब 2021 है तो इंशाल्लाह 2021 के हवाले से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। अमेज़ान बैंक पे भी बनाई जाएगी, नेशनल बैंक को, पाकिस्तान डिफरेंट बैंक को होम लोन के वाले से आपको वीडियो बना के बताया जाएगा। तो बस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ रहना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड में बस अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।